हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं योद्धा मूवी के ट्रेलर पे, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी है। तो इन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा को इसलिए कैस्ट किया होगा क्योंकि ये शोल्डर के रोल पे काफ़ी सूट करता है और इसने शेरशाह मूवी में भी उस रोल को काफ़ी जस्टिस दिया था। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। धर्मा प्रोडक्शंस। हर किसी का सपना होता है अपने पापा की तरह बनना। मेरा भी था। मेरा भी। अरुण और जाने तक हमें निगोशिएट करना होगा। अरुण, अरुण, वे, अरुण। वो। अब इस शरीर पे या तो योद्धा का यूनिफॉर्म होगा या फिर तिरंगा। ये। ऐसे में ऐसे बड़े बड़े मिशंस में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती सेनोरिटा। चीजी यार, ना हिंदुस्तानी सोल्जर्स बहुत सेंटी होते हैं और सिर पर भी। योद्धा नहीं, देश के दुश्मन ही। इंक्वायरी खत्म होने तक आप सबको सस्पेंड किया जाता है। जच रहा है तुझ पर, लेकिन बेटा इसे कमाना पड़ता है और फिर पूरी जिंदगी इसका सम्मान करना पड़ता है। Cabin crew stations preparing for departure. Pilot ने 7500 स्कॉप किया है। It is an official hijack now. खबर आ रही है कि एक भारतीय हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। और फिर कमांडो कौन है? संदिग्ध हाईजैकर भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है। Seriously? पाकिस्तान से गुजरती हुई एक इंडियन फ्लाइट हाईजैक हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरुण, वहां पर क्या चल रहा है? मेरे जो तीन टेररिस्ट के नाम दिए थे उनके बारे में कुछ पता चला? This is AB175 requesting emergency landing. अरुण कभी चुप बैठने वालों में से था ही नहीं। परिवार से बढ़कर देश सेवा है उसके लिए। आज ना तुम रहोगे ना तुम्हारा देश। मैं रहूं ना रहूं, देश हमेशा रहेगा। yeah. हमें नेगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेगोशिएट करना तो कभी योद्धा का स्टाइल था ही नहीं। फिफ्टींथ, काफी ज्यादा गूसबम्स, जबरदस्त एक्शन और एक्टर तो तगड़ा है ही, और मूवी को भी काफ़ी अच्छा नैरेटिव दिया हुआ है और ये फिर से मेरे हिसाब से रोल को जस्टिस देगा। तो अब बस इसका वेट नहीं हो रहा है। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, जिसमें हम किसी और चीज़ पे रिएक्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।